अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एमटीएम वाले यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ताहिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं नोकिया 6.1 प्लस को। जी हां फ्रेंड्स, नोकिया 6.1 प्लस को एक और न्यू ओटी अपडेट जो है वो मिल चुका है। आज हम इसी ओटी अपडेट के बारे में बात करेंगे। वीडियो में मेरा साथ दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपकी डिवाइस के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज नोकिया 6.1 प्लस के अंदर एक और न्यू ओटी अपडेट जो है वो मिल चुका है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को सेटिंग्स में लिए चलता हूँ। सेटिंग में आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पर ऑलरेडी जो हमारे पास अपडेट इंस्टॉल्ड है वो कौन सी है। यहाँ पर जैसे ही आप लोग एंड्रॉयड 10 के वर्जन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एंड्रॉयड 10 का वर्जन जो है वो इंस्टॉल्ड है नोकिया 6.1 प्लस के अंदर। और यहाँ पर जो हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो अगस्त 1, 2020 का है। जहाँ फ्रेंड्स, अगस्त का सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें लास्ट मंथ जो है वो मिला था नोकिया 6.1 प्लस की डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पर इसके अंदर जो हमारे पास गूगल प्ले सिस्टम अपडेट इंस्टॉल्ड है वो 1 जुलाई 2020 की है। जहाँ फ्रेंड, जुलाई का गूगल प्ले सिस्टम अपडेट जो है वो भी हमारे पास जो है वो इंस्टॉल्ड है यहाँ पर इस वक्त। तो यहाँ पर जो है अब हम ले चलते हैं आपको न्यू अपडेट के अंदर। यहाँ पर हम चले जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम के अंदर, सिस्टम में जाने के बाद एडवांस, एडवांस में जैसे ही आप सिस्टम अपडेट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको अपडेट जो है वो मिल चुकी है नोकिया 6.1 प्लस के अंदर। यहाँ पर डाउनलोडिंग के लिए मैंने अपनी अपडेट जो है वो पास्ट की हुई है। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे जो अपडेट साइज़ मिलता है इसके अंदर वो 19.23 MB का है। जी फ्रेंड्स, तकरीबन 20 MB का अपडेट साइज़ है, नॉर्मल सा अपडेट साइज़ है। इजीली आपकी डिवाइस के अंदर डाउनलोड और इंस्टॉल जो है वो हो जाएगा। तो आप लोग इसको इजीली अपनी डिवाइस के अंदर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर इसके बाद नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। नोटिफिकेशन के अंदर जो है हमें सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है गूगल सिक्योरिटी पैच। जी फ्रेंड्स, गूगल का सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है आज इस अपडेट के अंदर। इसके बाद व्हाट्स न्यू है गूगल सिक्योरिटी पैच 2020.09। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर गूगल सिक्योरिटी पैच जो है वो हमें मिला है सितंबर 2020 का। जी हाँ फ्रेंड्स, सितंबर के अंदर लेटली हमें मिला है, काफ़ी लेट मिला है। तो यहाँ पर हमें लेकिन जो है हमें मिल चुका है अपडेट सितंबर का, सितंबर के मंथ के अंदर। तो काफ़ी खुशी खबर है कि हमें डिवाइस के अंदर जो है सितंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिल चुका है। इसके बाद एक एडवाइजरी नोटिस है। इट इज़ रिकमेंडेड दैट यूजर्स यूज़ वाईफाई वेयर एवर पॉसिबल इन ऑर्डर टू डाउनलोड अपडेट्स। इफ़ यू विश टू यूज सेलर मोबाइल कनेक्शन, प्लीज़ नोट दैट डाउनलोडिंग डेटा ओवर अ सेलर मोबाइल नेटवर्क इंक्लूडिंग वेन इन अ रोमिंग एनवायरमेंट मे इनकर एडिशनल चार्जेस। चेक विद योर नेटवर्क प्रोवाइडर शुड यू हैव एनी कंसर्न। यहाँ पर जो है एडवाइजरी नोटिस दिया गया है। जैसा कि नोकिया की तमाम डिवाइस के अंदर एक अपडेट के अंदर जो है एडवाइजरी नोटिस दिया जाता है कि वो रिकमेंड करते हैं कि इस अपडेट को आप वाईफाई के थ्रू डाउनलोड और इंस्टॉल करें। अगर आप इसको वाईफाई के थ्रू डाउनलोड इंस्टॉल करें तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो पे नहीं करने पड़ेंगे। और अगर आप जो इसको डेटा के थ्रू डाउनलोड करेंगे, सिम के थ्रू डाउनलोड करेंगे तो आपको हो सकता है जो एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो पे करने पड़ जाएँ। तो कोशिश करेंगे इस डिवाइस को अंदर जो है नोकिया 6.1 प्लस के अंदर इस अपडेट को आप वाईफाई के थ्रू डाउनलोड करें। अगर आपके पास वाईफाई की अवेलेबिलिटी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो आप इस अपडेट को जो है अपने सिम के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट साइज़ हमें नॉमिनल सा मिलता है, बिल्कुल कम अपडेट साइज़ है। आप इजीली अपने डिवाइस के अंदर इसको जो है डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज के जो है अपडेट है जिसकी डिटेल मैंने आप लोगों को बताई कि सितंबर के अंदर सितंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल चुका है नोकिया 6.1 प्लस को। यहाँ पर जितने भी यूज़र्स हैं जिनके पास नोकिया 6.1 प्लस की डिवाइसेस मौजूद हैं, वो अपने डिवाइस के सॉफ्टवेयर अपडेट के ऑप्शन में जाएं, सेटिंग में जाएं, वहाँ पर उनको ये अपडेट जो है ऑलरेडी मिल चुका होगा। तो कुछ फ्रेंड्स को पहले मिल जाएगा, कुछ फ्रेंड्स को बाद में मिल जाएगा। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, तमाम फ्रेंड्स को यह है 1 वीक के अंदर अपडेट जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पास भी अपडेट जो है वो मिल चुका है। इस अपडेट की तमाम डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं। इस अपडेट के बाद चेंजेस क्या क्या आएंगे वो इंशाल्लाह इस अपडेट को हम जैसे ही डाउनलोड इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा कि इस अपडेट के जो है इफेक्ट्स क्या पड़े हैं, क्या इसमें चेंजिंग मिली हैं, क्या इसमें एरर फिक्स किए गए हैं, क्या इसमें नई चीज़ें जो उसके बाद सारी चीज़ें हैं तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी मेरे इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
यहाँ पर अपडेट जो है हम इसको रिज्यूम कर लेते हैं ताकि अपडेट जो है हमारी डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाए। यहाँ पर हमारे पास वाईफाई की फैसिलिटी नहीं है तो हम यहाँ पर यूज़ सेलुलर जो है उसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर सिम के थ्रू जो है अपनी अपडेट को जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी डाउनलोडिंग जो है वो शुरू होने जा रही है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक आप लोग जो है थोड़ा सा पेशेंट रखें, वेट रखें। इंशाल्लाह जैसे ही अपडेट जो है डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगी तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बारे में बताएंगे कि इस अपडेट के अंदर क्या चीज़ें हमें नई देखने को मिली हैं, क्या सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है इसमें इंस्टॉल हो गया है सितंबर का, और इसमें गूगल प्ले सिस्टम अपडेट जो है वो कौन सा मिला है। यहाँ पर हमारे पास इस वक्त जो है जुलाई का सिस्टम अपडेट जो है गूगल प्ले का वो अवेलेबल है, लेकिन अब जो है इसके अंदर कौन सा अपडेट मिलेगा वो जैसे ही हमारी डिवाइस के अंदर ये अपडेट डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर अपडेट जो है हमारी 50% जो है वो कंप्लीट डाउनलोड हो चुकी हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें और टाइम दरकार होगा जब तक हमारी अपडेट जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपडेट जो है हमारी डाउनलोड हो चुकी हुई है, जल्दी से हमारी अपडेट को जो है हम रिज्यूम कर लेते हैं ताकि अपडेट जो है हमारी प्रॉपरली जो है वो इंस्टॉल हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो चुकी हुई है सितंबर सिक्योरिटी पैच अपडेट की नोकिया 6.1 प्लस के अंदर। यहाँ पर थोड़ा सा हमें टाइम जो है और दरकार होगा, थोड़ा सा पेशेंट रखिएगा, बहुत जल्दी अपडेट भी इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ही अपडेट इंस्टॉल हो जाएगी तो अपनी डिवाइस को जो हम रिस्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपडेट जो है हमारी डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुकी हुई है, जल्दी से अपनी डिवाइस को जो है वो रिस्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट्स जो है हमारी अपडेट के ऊपर इसके पड़े हैं इसे अब डाउनलोड के बाद। तो जल्दी से जो अपनी डिवाइस जो है वो रिस्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी डिवाइस जो है वो रीबूट कर चुकी हुई है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं नोटिफिकेशन के अंदर हमारी अपडेट जो है वो फिनिशिंग हो रही है नोकिया 6.1 प्लस के अंदर। बहुत जल्दी अपडेट जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगी हमारी डिवाइस नोकिया 6.1 प्लस के अंदर। तो यहाँ पर जो है हमारी अपडेट जो है वो इंस्टॉल हो चुकी हुई है। अब चले जाते हैं हम यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद सिस्टम के अंदर, सिस्टम में जाने के बाद एडवांस्ड, एडवांस के बाद हम जैसे ही सिस्टम अपडेट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारा सितंबर 1st 2020 का सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो इंस्टॉल हो चुका हुआ है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस के अंदर कौन सा गूगल प्ले अपडेट जो है वो मिला है। यहाँ पर एंड्रॉयड 10 के वर्जन के ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें गूगल प्ले सिस्टम अपडेट जो है अभी भी ओल्ड ही मिला है, यहाँ पर उसको अपडेट नहीं किया गया। July 1st 2020 का गूगल प्ले सिस्टम अपडेट जो है हमें अवेलेबल है नोकिया 6.1 प्लस के अंदर, तो इसके अंदर इसको अपडेट को जो है अपग्रेड नहीं किया गया। यहाँ पर जस्ट जो है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल जो है उसको जो है वो सितंबर का दे दिया गया है नोकिया 6.1 प्लस के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमें सितंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट नोकिया 6.1 प्लस के अंदर जो है वो मिल चुका है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं क्या चेंजेस वगैरह इस अपडेट के अंदर जो है हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कैमरे के अंदर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस अपडेट के बाद सबसे पहला बग जो है वो कैमरे का शो हो रहा है। यहाँ पर कैमरा कीप स्टॉपिंग जो है वो हो रहा है, जो ऐप है हमारी वो प्रॉपरली रन नहीं कर रही। जैसे आप कैमरे को ऐप को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी कैमरा ऐप जो है वो उसके अंदर एरर आ चुका हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस डिवाइस को हम 3 से 4 बार अगर हम रिस्टार्ट कर लेंगे तो यहाँ पर ये अपडेट के अंदर जो है हमें कैमरे का जो फिक्सिंग है वो मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पर कैमरे का जो ऑप्शन है जिसके अंदर कैमरा की ऐप क्रैश हो रही है बार बार, तो ये मसला हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फर्स्ट बग है जो बहुत बड़ा बग है जिसके अंदर हमारा कैमरा जो है इस वक्त जो है वो नहीं चल रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के अंदर। इसके बाद मैं आप लोग बता चलूँगा बैटरी का, बैटरी के अंदर भी हमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर बैटरी जो है उसको थोड़ा सा जो है इसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है। इसके बाद इसके अंदर जो है साउंड का जो ऑप्शन है उसके अंदर भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर इस अपडेट के अंदर कोई ख़ास चीज़ हमें देखने को नहीं मिली, जस्ट जो है डिवाइस की सिक्योरिटी जो है उसको इम्प्रूव किया गया और सितंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हमें अपनी डिवाइस को 3 से 4 बार जो है वो रजिस्टर कर लेते हैं और देखते हैं कि कैमरे के अंदर अभी भी एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स हमने डिवाइस को अपनी जो है उसको 2 से 3 बार जो है रिस्टार्ट कर लिया है। यहाँ पर हमारे कैमरा की ऐप है वो अब ठीक हो चुकी हुई है, इसके अंदर अब कोई प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा।
हमारी डिवाइस के अंदर ये एरर भी फिक्स हो चुका हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार पहले भी अपडेट्स के अंदर बताता रहता हूँ कि जैसे ही आप अपनी अपडेट को डाउनलोड और इंस्टॉल करें तो अपनी डिवाइस को कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर ज़रूर जो है वो रिस्टार्ट करें। जैसे आप रिस्टार्ट कर लेंगे तो जितने भी एरर्स वगैरह थोड़े बहुत आते हैं तो वो अपनी डिवाइस के अंदर आपकी डिवाइस के अंदर जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये आपने प्रोसेस ज़रूर करना है कि अपनी डिवाइस को जो है रिस्टार्ट 3 से 4 बार लाजमी करना है डाउनलोड और इंस्टॉलेशन के बाद। तो फ्रेंड्स ये थी अब आज की अपडेट और आज वीडियो में आप लोगों को बताया कि सितंबर का स्कूटी पैच अपडेट नोकिया 6.1 प्लस के अंदर जो है वो मिल चुका है और आप लोगों ने देखा कि इसके अंदर क्या चीज़ें जो हैं इसमें हमें शो हुई हैं और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। कैमरे की एप्लीकेशन के अंदर हमें एरर देखने को मिला, बग देखने को मिला जो बाद में रिस्टार्ट करने के बाद जो है वो रिजॉल्व हो गया। इसके बाद बैटरी के ऑप्शन में हमें थोड़ी सी बहुत इम्प्रूवमेंट मिली, साउंड के ऑप्शन में हमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट मिली। तो काफ़ी अच्छा ये अपडेट है, बाकी कुछ दिनों के बाद इसका पता चलेगा कि ये अपडेट जो है वो कितना बेटर साबित होता है नोकिया 6.1 प्लस के लिए। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके डिवाइस के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाए। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखे दो में याद, अल्लाह हाफिज़।